वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 3 का मैथ का वर्कशीट। इसमें हम आज जानेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों को कैसे क्लियर करें, किस तरह से समझाएं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इस तरह से बच्चों को कैसे हम उन्हें बताएं कि उन्हें बड़े अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये याद रखने की चीज नहीं है। जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आएगा तो वो हमेशा गलती करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, जैसे बच्चों को हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्रीवियस क्लास में भी वो पढ़ चुके हैं, जहां पे 3 डिजिट नंबर तक पढ़ना था उन्हें, अभी 4 डिजिट नंबर तक पढ़ना है, मतलब 1000 में उनको काउंटिंग वो सारी चीजें आनी चाहिए क्लास 3 में। अब जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो अगर हम उन्हें बताते हैं कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है, तो वो याद इसको कैसे रखेंगे, 9 है क्या है, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम उन्हें काउंटिंग उन्हें आती है तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जब सिंगल नंबर लिखे हो जाते हैं तो 1 डिजिट नंबर कहलाते हैं। तो इसमें 1 डिजिट है, जैसे ही 10 पे आता है तो ये 2 डिजिट हो जाता है। तो जो सबसे लास्ट में 1 डिजिट नंबर आया तो ये ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, मतलब 9 जो है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को अगर बताएंगे तो उन्हें ध्यान रहेगा कि काउंट जब हम करते हैं तो लास्ट में हमारा, एक बार वो समझ में आ जाएगा तो उन्हें इजिली याद रहेगा कि 9 हमारा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। उसी तरह स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, अब जैसे ही 9 के बाद 10 आता है तो 10 हमारा, मतलब 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो मतलब 10 हमारा इसमें 2 डिजिट आ जाते हैं। ये बच्चों को पता होना चाहिए कि एक सिंगल नंबर ऐसे होता है तो 1 डिजिट, इसमें 0 हो या कुछ भी हो तो 2 डिजिट नंबर, 2 इसमें 2 डिजिट हैं, इसलिए 2 डिजिट नंबर हो गया, तो 10 हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाता है। इसी तरह अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कैसे बच्चों को सिखाएंगे, तो हम उसके बाद उनको बताएंगे कि काउंटिंग जहां तक करते हैं और जिसमें नंबर आता है सिर्फ 2 नंबर आते हैं, मतलब 2 डिजिट ही आते हैं, तो 99 तक वो काउंट करेंगे तो 99 के बाद 100 आ जाता है, तो यहाँ पे 3 डिजिट आ जाते हैं, मतलब 99 हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। उसके बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 100 जो है हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, मतलब 99 में एक ऐड करेंगे तो हमारा 100 आता है, 99 के जस्ट बाद 100 आता है, तो 100 हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, कि उसके बाद हम 101 102 इस तरह से काउंट करते हैं तो हमारा इसके आगे और बहुत सारे नंबर 3 डिजिट में आते हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट, इससे पहले कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं आता है, क्योंकि जस्ट 100 से पहले जाएंगे तो हमारा 2 डिजिट 99 आ जाएगा, तो वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा क्लियर करेंगे तो उन्हें समझ में एक बार दो बार में समझ में ये चीजें आ जाएगी। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में फिर वही काम करना है कि उन्हें काउंटिंग उन्हें बतानी है कि लास्ट कहाँ तक 3 डिजिट हमारा जाता है, तो 999 तक, उसके बाद जैसे ही उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये 4 डिजिट हो जाता है, ये हमारा 4 डिजिट नंबर हो जाता है। अब 4 डिजिट नंबर में आपका यहाँ पे जैसे ही 4 डिजिट नंबर होता है ये तो 1000 हो जाता है, मतलब 1000, इसमें ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाता है, 999 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 1000 हो जाता है। अब ये बच्चों को ये चीजें आपको क्लियर करानी होगी कि उन्हें प्रीवियस क्लास में बताया गया होगा कि जैसे एक कोई नंबर होता है तो हमारा ये हमारा वंस पोजीशन पे, इसके आगे हम कोई नंबर लिखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा 2 नंबर है तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, अगर हमारे 3 नंबर हैं, मतलब 3 डिजिट हैं, ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, 3 डिजिट हो गया तो ये वंस, टेंस,
एंड 100। उसी तरह यहाँ पे 1000 लिखा तो ये हमारा वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया एंड ये 1000 हो गया। तो ये चीज बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस प्लेस को, इस प्लेस को, इस प्लेस को, इस प्लेस को। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई नंबर लिखा 4321। अगर अब बच्चे से पूछा जाए कि यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो उन्हें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। तो 100 प्लेस पे कौन सा है? 3। तो ये सारी चीजें बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं ये सारी चीजें फिर से एक बार रिपीट करूंगी वर्कशीट के थ्रू, ताकि बच्चों को ये आप अच्छे से समझा सकें इस तरह से। तो इस तरह से पहले आप ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बच्चों को क्लियर कराएं। इसके आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी है क्लास 3 में, तो वो मैं आगे आने वाली वीडियोज में कवर करूंगी वो सारी चीजें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।